स्वागत है आपका राव मंचू किचन में। आज हम कुछ ठंडा बनाएंगे। जैसे जैसे गर्मियाँ आ रही हैं, सबको ठंडा खाने या पीने का मन होता है, तो आज हम ऐसी ही एक रेसिपी बनाएंगे, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। चलिए बनाते हैं स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। स्ट्रॉबेरी शेक बनाने के लिए हमने लिए 10 से 12 स्ट्रॉबेरी। इसमें से हम दो गार्निश के लिए निकाल देंगे और सबकी स्ट्रॉबेरी शेक बनाएंगे। अब मिक्सी लेंगे और उसके ऊपर जार रखेंगे और इसके अंदर डालेंगे हम स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी मैंने साबुत ही डाली है इसमें जार में, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होती है। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा दूध, ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो स्ट्रॉबेरी अच्छे से पिसेगी नहीं। और इसमें डालूंगी मैं 5 चम्मच चीनी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी डालना, मुझे मीठा ज़्यादा पसंद है तो मैं 5 चम्मच डाल रही हूँ। अब इसमें ढक्कन लगाकर इसको पीस लेंगे। अब इसको चेक कर लेते हैं, पिसी है कि नहीं स्ट्रॉबेरी अच्छे से। ये देखिए अब अच्छे से पिस गई है स्ट्रॉबेरी, अच्छे से पिस गई है। अब इसमें डाल देंगे हम दूध। हमने इसमें 1.5 गिलास दूध डाला है। अब इसको दोबारा से मिक्स कर लेंगे। मिक्सी को एक बार फिर चलाएंगे। अब ये देखिए अच्छा सा कलर हो गया है इसका, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच आइसक्रीम। यदि आप आइसक्रीम नहीं डालना चाहते तो आइस क्यूब डाल सकते हैं। मैं इसमें वनीला आइसक्रीम डाल रही हूँ। और आइसक्रीम डाल रहे हो तो आप कोई सी भी डाल सकते हो अपनी पसंद की। और अब इसको दोबारा से मिक्सी को चला देंगे। देखिए अब हमारी स्ट्रॉबेरी शेक तैयार है। अब शेक को ग्लास में डालते हैं। अब इसके ऊपर डालेंगे हम थोड़ी सी आइसक्रीम। ऊपर से आप इसके ऊपर काजू बादाम पिस्ता ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, आपका मन करे तो डालना। ये सुंदर दिखे इसके लिए हम स्ट्रॉबेरी लगा देते हैं। देखिए अब हमारा स्ट्रॉबेरी शेक तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी बना है, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। गर्मी में आप अपने बच्चों को ये शेक बना कर देंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे और आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ करेंगे, क्योंकि ये है ही इतना स्वादिष्ट। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।